दिल्ली के कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मुझे बताया गया है कि जितने लोग इस हॉल में हैं उससे ज़्यादा लोग हॉल के बाहर हैं, जो LED स्क्रीन पे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम लोग बाबा साहब अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के स्मृति के अवसर पे यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोगों ने उनकी एक डॉक्यूमेंट्री देखी, हमने देखा कि किस तरह से उनका जीवन पूरा एक संघर्ष की मूर्ति था। पूरे जीवन उन्होंने खूब संघर्ष किया, लेकिन एक चीज जो उनके संघर्ष में निकल के आई और जो उनके संदेश में जगह जगह देखने को मिलता है, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उन्होंने खुद पढ़ने के लिए कितनी मुसीबतें झेली, आप लोगों ने देखा। स्कूल जाते थे, वहां कितना छुआछूत का वातावरण था, उसके बावजूद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके पूरे जीवन से एक संदेश मिलता है कि कितना भी अन्याय हुआ उनके साथ, कितनी भी उनको तकलीफें आई, उन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी, संघर्ष करते रहे करते रहे करते रहे और अंत में बाबा साहब की जीत हुई, चाहे कोई भी संघर्ष हुआ। आज हर नेता हर पार्टी बाबा साहब अंबेडकर का नाम तो लेती है खूब, वो सब वोट लेने के काम आते हैं, उनको लगता है बाबा साहब अंबेडकर का नाम ले दो तो फिर सारे दलितों के वोट आ जाएंगे, लेकिन उनके सपने को साकार करने का काम कोई नहीं करता। आज मुझे बेहद खुशी है कि जब हम उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे एकत्रित हुए हैं तो आज हम एक ऐसा ठोस कदम उठाने जा रहे हैं जो उनका सपना पूरा करने की दिशा में एक ठोस कदम साबित होगा। जैसा मैंने कहा, उन्होंने शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उनका मानना था कि अगर अच्छी शिक्षा दे दी जाए किसी को भी तो उससे उसकी आधी से ज्यादा मुसीबतें दूर हो सकती है, वो बाकी समाज के साथ कंधे से कंधा मिठा मिला के अपना जिंदगी का निर्वाह कर सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ने सबसे ज्यादा तवज्जो शिक्षा को दी और आज उसी दिशा में हम लोग एक ठोस घोषणा करने जा रहे हैं। जब से 3 साल से हमारी सरकार बनी है, सबसे ज्यादा महत्व इस सरकार ने शिक्षा को दिया है। सरकारी स्कूलों में किसके बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में दलितों के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में SC ST के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में माइनॉरिटीज के बच्चे जाते हैं, सरकारी स्कूलों में OBC के बच्चे जाते हैं। आज तक जानबूझ के सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था सारी सरकारों ने, क्योंकि वो चाहते थे कि गरीब का बेटा गरीब बना रहे, मोची का बेटा मोची बना रहे, सफाई कर्मचारी का बेटा सफाई कर्मचारी बना रहे और इनको अपने वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करके हम हर चुनाव के अंदर इनको बेवकूफ बना के हम वोट लेते रहे। सबसे पहला काम हम लोगों ने किया, जैसे ही हमारी सरकार बनी, हमने शिक्षा का बजट 100% बढ़ा दिया, 5000 करोड़ से 10000 करोड़ हम लोगों ने शिक्षा का बजट कर दिया। देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर यह चर्चा हो रही है कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से सरकारी स्कूलों में काया पलट हुआ है शिक्षा का, केवल 3 साल के अंदर, 70 साल में आजादी के बाद 70 साल में इतना सुधार नहीं हुआ जितना 3 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा के अंदर सुधार हो गया। आज कई लोगों को मैं जानता हूं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं,
तो हमारा ये सपना है, कोई कितना भी गरीब हो, किसी भी जात में पैदा हुआ हो, दिल्ली में अगर कोई बच्चा पैदा होगा उसको अच्छी से अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। उसके माँ बाप के पास अगर पैसा नहीं है, उसके माँ बाप अगर एससी एसटी हैं, उसके माँ बाप अगर रिक्शा चलाते हैं, मजदूर है, किसान है, अगर उसके माँ बाप उसकी शिक्षा का पैसा नहीं दे सकते तो इसका मतलब यह नहीं कि उस बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी। सरकार की जिम्मेदारी है हम उसको अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे। तो सरकारी स्कूलों को हमने ठीक करा, वहां पे अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। मैं ये नहीं कह रहा सब कुछ ठीक हो गया, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन 3 साल के अंदर बहुत सुधार हुआ है। तो 12वीं क्लास तक दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, चाहे कितना भी गरीब बच्चा हो उसको 12वीं क्लास तक अच्छी शिक्षा का इंतजाम दिल्ली सरकार ने किया है। उसके बाद बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेता है, जितने अच्छे बच्चे हैं पढ़ाई में अच्छे हैं वो कॉलेज में एडमिशन लें। लेकिन कॉलेज के अंदर भी आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने पैसे नहीं दे सकते और वो 12वीं के बाद उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। अब आपको पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है, 12वीं के बाद भी दिल्ली सरकार ने इंतजाम कर दिया, 10 लाख रुपए तक का लोन देती है दिल्ली सरकार, 10 लाख रुपए तक का। आप चाहे रिक्शे वाले के बच्चे हो, चाहे एससी एसटी के बच्चे हो, चाहे ओबीसी के बच्चे हो, चाहे माइनॉरिटीज के बच्चे हो, अगर आपको देश में किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल गया, किसी भी अच्छे कॉलेज के अंदर अगर आपको एडमिशन मिल गया, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके आपके माँ बाप को कोई जमीन गिरवी नहीं रखनी, आपके माँ बाप को कोई घर गिरवी नहीं रखना, दिल्ली सरकार आपके लिए खड़ी होगी, आपको 10 लाख रुपए तक का लोन देगी। अब वो टाइम खत्म हो गया कि मोची का वो बेटा मोची बनेगा, अब वो टाइम खत्म हो गया कि रिक्शा वाले का बेटा रिक्शा वाला बनेगा, अब मोची का बेटा भी इंजीनियर बनेगा, सफाई कर्मचारी का बेटा डॉक्टर बनेगा, आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा दोस्तों। और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद जब एक बच्चे को नौकरी तलाश करनी पड़ती है तो फिर वो पाता है कि ये बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो देखता है कि मेरा दूसरा दोस्त, उसका बाप बड़ा पैसे वाला है, उसने तो इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले ली, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग ले ली, लेकिन ये बेचारा गरीब का बच्चा वो कोचिंग नहीं ले पाता। आज उस कमी को दूर करने जा रहे हैं। अब कोई भी बच्चा हो, गरीब बच्चा अगर है, एससी एसटी का बच्चा है, ओबीसी का बेटा है, अगर माइनॉरिटीज की बेटी है, अगर हैंडीकैप्ड है, अब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार आपको कोचिंग लेने के लिए, बेस्ट से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने के लिए आपको पैसे देगी, 40,000 रुपए तक का, जैसा भी हमारे एक अधिकारी ने बताया, 40,000 रुपए तक का आपको अनुदान दिया जाएगा। आप बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट से एजुकेशन लीजिए, शिक्षा लीजिए, कोचिंग लीजिए। और मेरा सपना है, वही सपना हम लोगों का जो बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, अब हमारे बच्चे भी आईएएस बनेंगे, हमारे बच्चे भी आईपीएस बनेंगे, हमारे बच्चे भी सरकारी नौकरियों के अंदर जाएंगे और उनके उनसे कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करेंगे। एक बड़ी घोषणा हुई थी बाबा साहब अंबेडकर ने, संविधान के अंदर रिजर्वेशन का प्रावधान किया था। यह बहुत बड़ा और बहुत क्रांतिकारी कदम था। उसी की वजह से आज 70 साल के अंदर हम देखते हैं कि कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों के अंदर एक हिस्सेदारी मिली है। लेकिन आज जो ये घोषणा की है कि अगर कोचिंग अच्छी से अच्छी कोचिंग मिलने लगेगी और अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी तो हम देखेंगे कि हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग के क्षेत्र में, रेलवे के क्षेत्र में, इंश्योरेंस के क्षेत्र में और आईएएस और आईपीएस के क्षेत्र में, इनके अंदर हमारे ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगेंगे। और दूसरी,
मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम की कोचिंग लेने के लिए भी अगर आपने 12वीं पास की है तो मेडिकल और इंजीनियरिंग के एग्जाम के लिए भी आप लोगों को कोचिंग दी जाएगी। जैसा उन्होंने बताया अभी इस साल के केवल 3 महीने रह गए हैं और अभी इसको लागू करने में भी 10-15 दिन लग जाएंगे। इस साल केवल 100 बच्चों से शुरुआत की जा रही है लेकिन आने वाले बजट के अंदर 5000 बच्चों का प्रावधान किया जाएगा और अगर जरूरत पड़ेगी हम देखेंगे ज्यादा डिमांड है तो और ज्यादा भी बढ़ा देंगे इसको, लेकिन किसी भी बच्चे को अच्छी शिक्षा से और अच्छी कोचिंग से हम लोग वंचित नहीं रखेंगे। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। दूसरी चीज, एक और बहुत बड़ी योजना की तैयारी चल रही है जिसको अगले महीने हम लोग ऐलान करेंगे कि किस तरह से हम गरीब लोगों को बहुत कम ब्याज पे और सब्सिडी देके लोन दे सके ताकि वो छोटा मोटा अपना काम शुरू कर सके। आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। लोगों को रोजगार नहीं मिलता। रोज सवेरे मैं जनता से मिलता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं नौकरी लेने के लिए लेकिन सरकारी नौकरियों की तो बहुत कमी है। हम आपको लोन देंगे, आपको पैसा देंगे, एक तरफ हम आपको सरकारी नौकरियों में भर्ती होने के लिए कोचिंग भी देंगे, शिक्षा भी देंगे, लेकिन जो जो लोग अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं और उसे बहुत छोटे रेड़ी पटरी वालों को भी देंगे, रिक्शे वालों को भी देंगे, ऑटो वालों को भी देंगे, छोटे छोटे लोगों को छोटे छोटे रोजगार शुरू करने के लिए लोन दिया जाएगा, आसान किस्तों पर दिया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपना स्वराज को रोजगार शुरू कर सके और उनको नौकरियों के पीछे ना भागना पड़े। इसकी पूरी और योजना तैयार की जा रही है जो अगले महीने जिसका ऐलान किया जाएगा। अंत में मैं दो शब्द अभी कल जो घटना घटी उसके बारे में बताना चाहता हूं। हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली के एक बड़े अस्पताल ने एक जिंदा बच्चे को मृत घोषित कर दिया। उसी अस्पताल की पहले भी बहुत सारी शिकायतें आई थी, उन सारी शिकायतों पर जब गौर किया गया, उसकी जांच करवाई गई तो वो सारी शिकायतें सही पाई गई और यह पाया गया कि अस्पताल बार बार गलत कर रहा है। कल उस अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, मैक्स हॉस्पिटल का शालीमार बाग का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। मुझे लगता है ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी सरकार ने हिम्मत दिखाई है इतने बड़े अस्पताल के खिलाफ एक्शन लेने की। उसका एक ही कारण है, जब हमारी सरकार आई थी हमें याद है हमारी सरकार बनने के पहले जब आंदोलन किया करते थे हम बिजली कंपनियों के खिलाफ भी खूब आंदोलन किया करते थे। हम कहते थे बिजली कंपनियां लूट रही हैं और ये जितनी सरकारें हैं बिजली कंपनियों की जेब में है। सरकार बनने के बाद दिल्ली के अंदर हमने बिजली के रेट आधे कर दिए और पिछले 3 साल में दिल्ली के अंदर बिजली के रेट बढ़ने नहीं दिए हम लोगों ने, एक पैसा बिजली का रेट बढ़ने नहीं दिया। दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश के अंदर, हर राज्य की सरकार ने हर साल बिजली के रेट बढ़ाए हैं, दिल्ली अकेला राज्य है पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर बिजली के रेट नहीं बढ़े। तो जैसे बिजली कंपनियों को ठीक करा ऐसे ही मैं आज ये संदेश देना चाहता हूं कि हम किसी भी प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ नहीं है। हम ये चाहते हैं प्राइवेट अस्पताल फले फूले, जितने ज्यादा अस्पताल बनेंगे उतना लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जितने प्राइवेट सरकारी अस्पतालों को भी ठीक कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में हम लोगों ने दवाइयां फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं, पॉली क्लिनिक बना रहे हैं और साथ साथ प्राइवेट अस्पताल भी हैं। हम प्राइवेट अस्पतालों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे लेकिन मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि अगर कोई प्राइवेट अस्पताल
किसी को लूटेगा। अगर कोई प्राइवेट अस्पताल इस किस्म की क्रिमिनल नेग्लिजेंस करेगा कि जिंदा को मृत घोषित कर देगा, तो फिर बच के रहना, हम सख्त कदम उठाने से भी नहीं घबराएंगे। अभी तक की जितनी सरकारें थी वो इन बड़े बड़े लोगों की जेब में थी। अगर हम चाहते हम भी मैक्स वालों से सेटिंग कर लेते, अगर हम चाहते हम भी उनसे पैसे ले लेते, जितने मर्जी पैसे दे देते। अभी इतनी बड़ी धमकी थी लाइसेंस कैंसिल करने की, कितने ही पैसे मांग लेते उनसे, इसलिए नहीं आए थे हम लोग। अगर आज हम पैसे खा जाते, हम अपनी आत्मा को शक्ल दिखाने लायक नहीं बचते। जनता का विश्वास हमेशा के लिए खत्म हो जाता। आज हम केवल ये इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि ये सरकार आपकी जेब में है, बड़ी बड़ी कंपनियों की जेब में नहीं है, जनता की जेब में है ये सरकार। ये आपके लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ये ईमानदार सरकार है, इसी वजह से ये हो पा रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि जो ये ईमानदार राजनीति का एक पौधा खिला है दिल्ली के अंदर, ये छोटा सा बच्चा है, इस बच्चे को आगे बढ़ाना केवल केजरीवाल की जिम्मेदारी नहीं है, इस बच्चे को आगे बढ़ाना, पालना पोसना आप सब लोगों की जिम्मेदारी है। एक एक आदमी को अपनी अपनी गली में जाके, अपने अपने मोहल्ले में जाके, अपने अपने इलाके के अंदर जाके, कॉलोनी में जाके, सब लोगों को बोलना पड़ेगा। इस वक्त जितनी देश की ताकतें हैं, गलत किस्म की ताकतें हैं, हमारे पीछे पड़ी हैं, हमें दबाने के लिए पड़ी हैं, कुचलने के लिए पड़ी हैं। वो चाहते हैं ये खत्म हो जाए ये लोग, और वही चलता रहेगा। एक बार ये पार्टी, एक बार ये पार्टी, एक बार ये पार्टी, एक बार ये, बड़े खुश हैं आपस में, ये बड़े खुश हैं आपस में, ये चाहते हैं कुचल जाए। इसको जिंदा रखने की जिम्मेदारी आप लोगों की है, और मुझे पूरा यकीन है कि अंत पंत में सत्य की जीत होती है।